सब्सक्राइब कीजिए एडिश ट्यूटोरियल्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए चीजों को जानने के लिए। दोस्तों, आप सभी अपने घर में अलग अलग मॉनिटर्स को काम में लेते होंगे अलग अलग चीजों को देखने के लिए। आप अपने लैपटॉप के स्क्रीन की मदद से भी बहुत सारी चीजों को यहाँ पे देखते होंगे और आप एक चीज को हमेशा नोटिस करते होंगे कि अलग अलग मॉनिटर्स में कलर्स अलग अलग तरीके से डिस्प्ले होती है। तो क्या आपको पता है ये क्यों होता है? आज मैं आप सभी को ये वीडियो पे इसी के बारे में बताने वाला हूं। मैं अपने स्वागत करता हूं आप सभी को एडिश ट्यूटोरियल्स पे। आइए जानते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने घर में अलग अलग मॉनिटर्स को इस्तेमाल करते होंगे तो वहां पे आप एक चीज देखे होंगे कि वहां पे अलग अलग मॉनिटर्स में कलर्स जो होती है वो अलग अलग तरीके से डिस्प्ले होती है। या फिर अगर यहाँ पे टीवी शोरूम आप जाते हो कहीं पे या फिर मॉल पे जाते हो, वहां पे आप देखोगे अगर एक ही चैनल अलग अलग टीवी में चल रहा है तो वहां पे कलर में डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है। हर टीवी में कलर डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है। अब ये क्यों होता है? यहाँ पे दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, जो भी आप शॉपिंग करते हो, अगर आपने कभी शॉपिंग किया है वहां पे जब ड्रेस आप ऑर्डर करते हो तो कई बार ऐसा होता है जो कलर की ड्रेस आप ऑर्डर करते हो वो कलर की ड्रेस शायद आप तक डिलीवर नहीं होती, कई अलग कलर की ड्रेस आप तक डिलीवर होती है। वो ज्यादातर इसलिए होता है क्योंकि वो सेम कलर की ड्रेस शायद स्टॉक में नहीं होती है, तो आपको एक अलग कलर की ड्रेस आप तक पहुंचाया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपने जो मंगाया है जो कलर की ड्रेस, हो सकता है आपका मॉनिटर आपको एक अलग कलर की ड्रेस आपको दिखाया है तो आपको लग रहा होगा वो वही कलर है, लेकिन आपके मॉनिटर कुछ दूसरा कलर आपको वहां पे दिखाया है। अब वो मॉनिटर में कभी कभी कमी होती है। देखिए, वो मॉनिटर में आपको कैसे कलर डिफरेंस देखने के लिए मिलता है आपको मैं बता देता हूं। देखिए, हम जो होते हैं हमारी आंखें जो है हर तरह के कलर्स को वहां पे देखती है, वो मतलब ट्रू कलर्स हम देखते हैं, लाखों मिलियंस कलर्स हम देखते हैं, लेकिन मॉनिटर्स में वो हर तरह के कलर्स नहीं होते हैं। कुछ कलर्स जो कि हमारी आंखें देखती है वो मॉनिटर्स में नहीं होती है, उसको हम कलर स्पेस बोलते हैं। मतलब हम जो मॉनिटर्स ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं आज की डेट में वो sRGB कलर स्पेस को वो प्रोवाइड करते हैं। sRGB कलर स्पेस मतलब हमारी आंखें जो देखती है जो कलर्स को, उसका एक सबसेट होता है जिनमें कि वो कलर्स होते हैं और कुछ कलर्स मिस हो जाते हैं जो कि हमारी आंखें देखती है, तो वो सबसेट एक होता है उसको हम बोलते हैं sRGB कलर स्पेस। इसके अलावा एक हाई एंड मॉनिटर को अगर आप लोगे, हाई एंड मॉनिटर्स में ज्यादातर आपको Adobe RGB कलर स्पेस देखने के लिए मिलेगा, जहां पे वो जो कलर स्पेस होती है जो कि आपको sRGB में देखने के लिए मिलता है उससे थोड़ी सी स्प्रेड आउट होती है, तो उसमें वाइब्रेंट कलर्स आपको देखने के लिए मिलेगा और कुछ ज्यादा कलर्स आपको थोड़ी सी देखने के लिए मिलती है। तो इस चीज से आपको कलर डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, जहां पे अगर आपका मॉनिटर अभी जो आप इस्तेमाल कर रहे हो वहां पे अगर कलर स्पेस है sRGB, तो एक हाई एंड की कलर अगर आप देख रहे हो, हाई एंड की मॉनिटर को आप देख रहे हो, वहां पे अगर Adobe RGB है तो उन दोनों में आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, कलर डिफरेंस आपको दोनों में देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा अगर मैं आपको समझाऊं एक मॉनिटर काम कैसे करता है, तो देखिए मॉनिटर में जो डिस्प्ले होती है उनमें छोटे 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 डॉट्स होते हैं, उन डॉट्स को हम पिक्सल्स बोलते हैं। तो एक टर्म आप जरूर यहां पे देखते होंगे रिजोल्यूशन, जहां पे सपोज आपके मॉनिटर में रिजोल्यूशन है 1024x768। 1024 का मतलब होता है वहां पे जो विड्थ है वो मॉनिटर में उसमें 1024 पिक्सल्स होते हैं और जो हाइट होता है उसमें 768 पिक्सल्स होते हैं। तो उनमें हर एक पिक्सल जो होती है वो सामने से जो इमेज है वहां पे हर एक पिक्सल वो बिट को रीड करती है, वहां पे बिट को रीड करने के बाद कलर को डिस्प्ले करती है। बिट मतलब एक वैल्यू आप सोच सकते हो यहां पे, तो रीड करने के बाद उसको वो डिस्प्ले करती है, तो इस चीज को हम बोलते हैं बिट डेप्थ। तो यहां पे देखिए सपोज आपके मॉनिटर में बिट डेप्थ है 24 बिट डेप्थ, कोई भी कलर में मेन कंपोनेंट होता है RGB, रेड ग्रीन ब्लू। 24 बिट डेप्थ मतलब होता है रेड के लिए 8 बिट, ग्रीन के लिए 8 बिट, ब्लू के लिए 8 बिट। तो 8 बिट मतलब 0 से 255 तक वैल्यू हो सकता है, तो रेड में 0 से 255 तक वैल्यू हो सकता है, ग्रीन में वैसे 0 से 255, ब्लू में वैसे 0 से 255। तो कॉम्बिनेशन करके आप देख सकते हो कितने सारे यहां पे कलर्स जनरेट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके मॉनिटर में 30 बिट है, मतलब 10 बिट ग्रीन को जा रहा है, 10 बिट रेड को, 10 बिट ब्लू को जा रहा है, तो उनमें ज्यादा कॉम्बिनेशनों के ज्यादा कलर्स आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बिट डेप्थ भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें है, जहां पे बिट डेप्थ अगर ज्यादा हो रहा है तो उसमें आपको मिलियंस ऑफ कलर्स ज्यादा देखने के लिए यहां पे मिलते हैं। तो इसके अलावा यहां पे आप देख सकते हो अगर आप एक सिस्टम ले रहे हो, अगर आप एक मॉनिटर ले रहे हो, वो मॉनिटर को अगर अलग अलग आप सिस्टम में लगा रहे हो जहां पे वीडियो कार्ड या फिर ग्राफिक्स कार्ड अलग अलग है, तो वहां पे भी आपको कलर डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वीडियो कार्ड जिस तरह प्रोसेस करते हैं तो उनमें वो डिस्प्ले अलग अलग तरीके से होते हैं। तो एक मॉनिटर को लेकर अगर आप एक सिस्टम के साथ लगा रहे हो जहां पे ग्राफिक्स कार्ड अलग लगा हुआ है और एक मॉनिटर से, तो दोनों में आपको फर्क देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा आपको LCD और CRT मॉनिटर्स में तो आपको पता ही होगा अलग अलग तरीके से कलर्स आपको दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी इन दोनों में अलग होते हैं। LCD में आपको इलेक्ट्रिक करंट इस्तेमाल होती हुई नजर आती है, जहां पे वो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जो कि लिक्विड क्रिस्टल मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको अलाइन कर देते हैं और वहां पे डिस्प्ले आपको
आपको दिखाई देने लगता है। सीआरटी में बेसिकली इलेक्ट्रॉन बीम्स होते हैं जो कि स्ट्राइक करते हैं फॉस्फर डॉट्स जो होते हैं उनमें, और आपको वहां पे दिखाई देने लगता है वो डिस्प्ले। तो टेक्नोलॉजीज दोनों में अलग अलग होते हैं, इस वजह से वहां पे आपको कलर डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। तो यही रहा कुछ रीजंस जिस वजह से आपको कलर डिफरेंस देखने के लिए मिलता है अलग अलग मॉनिटर्स में। तो यहां पे अगर आपके मॉनिटर में आपको लग रहा है कि कलर डिफरेंस गलत है, तो आप उसको कैलिब्रेट कर सकते हो। मतलब आप अपने मॉनिटर की जो मैनुअल्स होती हैं, जो मॉनिटर के साथ प्रोवाइड होती है आपके साथ, तो उसको आप पढ़ सकते हो, उसके बाद आप उसको कैलिब्रेट कर सकते हो, या फिर आप गूगल में भी सर्च कर सकते हो कि आपके मॉनिटर कौन सा है और उससे रिलेटेड आप कैसे उसको कैलिब्रेट कर सकते हो, सेटिंग में जाके आप क्या कर सकते हो, वहां पे भी आप इस चीज को देख सकते हो। तो यहां पे नॉर्मल सी अगर आप कोई आर्टिकल देख रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, तो उसमें अगर डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल रहा है कलर में, तो उसमें कुछ फर्क नहीं है। लेकिन यहां पे आप सोचिए, कुछ भी ऑनलाइन ऑर्डर देते हो, ऑर्डर में अगर आपके मॉनिटर में कलर डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है, हो सकता है आप कुछ कलर की एक ड्रेस वहां पे ऑर्डर दे रहे हो, लेकिन आपके पास जो पहुंच रहा डिलीवर हो रहा है, हो सकता है वो अलग कलर की ड्रेस वहां पे डिलीवर हो रहा है। तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखें और कलर को हमेशा सेट करें जहां पे ट्रूएस्ट कलर आपको देखने के लिए मिलेगा अपने मॉनिटर में। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया कि अलग अलग मॉनिटर्स कलर्स को अलग अलग तरीके से क्यों डिस्प्ले करते हैं। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा, और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ। मैं इसी तरह आपके लिए टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीजें लेकर आऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।